नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं दिनभर की खास खबरों से। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 140 से ज्यादा दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 5 जजों की संविधान पीठ ही अंतरिम राहत दे सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को नई याचिकाओं पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंचे। मुख्तार अब्बास नकवी ने लाल चौक पर स्थानीय लोगों और दुकानदारों के साथ मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूरे कश्मीर में सकारात्मक माहौल है, हम लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं और बदलाव लाने का एक मजबूत वातावरण बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हैं। इनके अलावा हेमा मालिनी, सनी देओल, रवि किशन और दिनेश लाल उर्फ निरहुआ भी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने इस साल वीरता पुरस्कारों के लिए 22 बच्चों को चुना है। उनमें से हर एक की कहानी प्रेरणा देने वाली है। किसी ने दोस्त को बचाने में अपनी जान गंवा दी तो किसी बच्चे ने हादसे में पूरे परिवार को बचा लिया। उनके अलावा कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों को जीवन दिया। कांग्रेस पार्टी नेता अशोक चव्हाण के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर कहा है कि कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि मुस्लिम लीग कांग्रेस कहना चाहिए। वे केवल मुसलमानों के बारे में बात करते हैं और उनका ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। सोनिया गांधी जाकिर नायक से चंदा लेती थी। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आपको बता दें कि अशोक चव्हाण का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम भाइयों की अपील पर भाजपा को हटाने के लिए शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से देश की राजधानी दिल्ली के तापमान में एक बार फिर गिरावट देखी गई है, जिसके कारण दिल्ली में ठंड पड़ रही है और सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते आज दिल्ली में सुबह का तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली NCR में कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में घना कोहरा है और विजिबिलिटी 50 मीटर से कम पहुंच गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कल शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उनसे प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। उपराज्यपाल ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल से कहा कि इससे स्कूली बच्चों, मरीजों और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर 8 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल ने संशोधित नागरिकता कानून को वापस लिए जाने समेत कई मांगों का एक ज्ञापन उपराज्यपाल को सौंपा। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरा, लेकिन इसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नामांकन केंद्र पर उन्हें करीब 7 घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। इससे पहले सोमवार को अपने रोड शो में भारी भीड़ की वजह से वह पर्चा दाखिल नहीं कर पाए थे, क्योंकि वह तय समय तक नामांकन पत्र भरने नहीं पहुँच पाए। नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर जनता दल यू के उपाध्यक्ष और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। आज एक बार फिर प्रशांत किशोर ने ट्वीट के जरिए इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि वो विरोध की परवाह नहीं करते तो CAA NRC लागू करने पर आगे बढ़े। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, शशि थरूर, नवजोत सिंह सिद्धू, शत्रुघ्न सिन्हा को इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी रखा गया है। योगी कैबिनेट में प्रदेश के किसानों और बटाईदारों के हित में एक महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना करने के साथ ही इसके नियम और सुविधाओं में बदलाव किया गया है। अब नए नियमों के मुताबिक बीमे के वारिस के तौर पर किसानों के परिवार के अलावा बटाईदार भी हकदार होगा। इस योजना के दायरे में प्रदेश के 2,38,22,000 किसान आएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज इंडिया।